लास्ट वीडियो प्रिंट का हमारा तीसरा पार्ट था, जिसमें मैंने आपको पेज सेटअप में शीट के इन सभी ऑप्शन को एग्जांपल के साथ बताया था। इस वीडियो में मैं आपको पेज सेटअप के हेडर फुटर के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो भी एग्जांपल के साथ। हेडर फुटर को आप इंसर्ट टैब से भी ओपन कर सकते हो और पेज लेआउट से भी। कैसे ओपन करते हैं चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर आप स्टेटस बार में देखोगे, यहाँ पर नॉर्मल लेआउट के बगल में यहाँ पर पेज लेआउट होता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास पेजेस आ जाते हैं जो कि एक्सेल की शीट में होते हैं। और यहां पर आप टॉप में देखोगे तो आपके पास हेडर आ रहा है और बॉटम में यहां पर फुटर आ रहा है। तो जैसे आप हेडर या फुटर पे किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपको यहां पर टॉप में जहां पर आपके पास टैब होते हैं, यहां पर आपको एक हेडर फुटर का टैब मिल जाता है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको हेडर फुटर के वो सभी ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि पेज लेआउट, जो कि पेज सेटअप विंडो में हमें वहां पर दिख रहा था। अब देखिए दूसरा तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा जब आप इंसर्ट टैब में जाओगे, यहां पर मैं सबसे पहले नॉर्मल आउट कर देता हूं। आप इंसर्ट टैब में जाओगे, इसके बाद जब आप टेक्स्ट पे जाओगे तो यहां पर भी आपका हेडर फुटर का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपका डायरेक्ट हेडर फुटर के ऑप्शन आ जाते हैं, यानी पेज लेआउट एक तरीके से व्यू आ जाता है। तो यहां पर मैं बैक चलता हूं और यहां पर नॉर्मल लेआउट चले जाते हैं और कंट्रोल पी प्रेस करता हूं और यहां पर मैं पेज सेटअप पे क्लिक करता हूं। अब देखिए हेडर फुटर के ऑप्शन है और ये वही ऑप्शन है जो हमको वहां पर शो हो रहे थे, ठीक है, इंसर्ट टैब में और पेज लेआउट में। तो अभी मैं आपको पेज सेटअप में यहाँ पर हेडर फुटर के इन सभी ऑप्शन को यूज करना बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर टॉप में हेडर लिखकर आ रहा है और नीचे देखिए यहाँ पर फुटर लिखकर आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ सिलेक्टेड करने के लिए ऑप्शन आ रहे हैं काफी सारे हेडर और फुटर में। तो देखिए अभी यहाँ पर नन है, नन मतलब कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा। जैसे कि आप यहाँ पर पेज वन इसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर हेडर में पेज वन लिखकर आएगा। तो देखिए यहाँ पर पेज वन लिखकर आ रहा है। अगर हमारे पास ज्यादा पेज होंगे तो यहाँ पर ये ज्यादा पेज शो करेगा। जैसे देखिए ये मेरे पास शीट टू है और ये मेरे पास शीट वन है, तो मेरे पास शीट वन पे ज्यादा पेज है। यहाँ पर मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हेडर फुटर पे चलते हैं और यहाँ पर मैं देखिए नन की जगह पेज नंबर जो कि पेज वन है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेज वन आ रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ तो देखिए पेज टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ इस तरीके से हमारी नंबरिंग चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेज सेटअप पर क्लिक करता हूँ और हेडर फुटर पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फुटर में भी यही ऑप्शन आता है, फुटर में भी आप पेजेस शो करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि अभी सिर्फ हमारे पास हेडर में ही यहाँ पर पेजेस शो हो रहे हैं, यहाँ पर मैं अगर फुटर में जाऊँ मतलब नीचे जाऊँगा तो देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर देखिए फुटर में भी अपने पेजेस नंबर को ऐड करता हूँ, यहाँ पर नन की जगह मैं यहाँ पर पेज वन को या फिर पेज ऑफ वन। तो ये क्या करते हैं, मतलब करंटली आप जिस पेज पे होगे वो बताएगा और आपको टोटल पेज बताता है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा, ओके पे क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि 10 पेज है हमारे पास और भी मैं 10वें पेज पर ही हूँ। मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए 10 पेज बता रहा है और अभी हम करंटली नंबर 1 पेज पर है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पेजेस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और लेकिन हमारे पास यहाँ पर टोटल पेज बता रहा है और ऊपर सिर्फ हमने पेज ही लिए हैं, मतलब पेज वन टू थ्री कुछ इस तरीके से लिया। तो पेज सेटअप पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और हेडर फुटर पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं आपको इन ऑप्शन को बताता हूँ। तो देखिए पेज वन आपको आई होप समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको पेज नंबर बताता है और यहाँ पर पेज वन करंटली और यहाँ पर जितने आपके पास टोटल पेज होते हैं वो बताता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शीट वन लिखकर आ रहा है। अभी देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करा, ओके पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर शीट वन लिखकर आ रहा है। अब ये क्या, ये हमारी शीट का नेम होता है। जैसे कि देखिए मैं अभी करंटली शीट वन पर हूँ, मैं यहाँ पर शीट टू पे जाता हूँ, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, पेज सेटअप पे जाता हूँ मैं और यहाँ पर देखिए हेडर फुटर और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर हम जाएंगे तो देखिए शीट टू लिखकर आएगा। तो देखिए यहाँ पर शीट टू आ रहा है, तो ये हमारी शीट का नेम होता है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर शीट टू लिखकर आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, अपनी शीट का ना नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौशल, मैंने यहाँ पर कौशल लिख दिया, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। अब मैं पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद हेडर फुटर और यहाँ पर मैं इस एरो पे, तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कौशल दिखा रहा है, जो यहाँ पर शीट वन डिफॉल्ट नेम आता है ना बाय डिफॉल्ट, उसकी जगह अब जो मैंने यहाँ पर नेम दिया था वो आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखिए कॉमा से सेपरेट हो रखे हैं। तो देखिए कॉन्फिडेंशियल जो कि एक तरीके का वाटर मार्क होता है, जैसे कि अगर आपने वर्ड यूज़ करा होगा तो वर्ड में जब हम वाटर मार्क लगाते हैं तो उसमें
कॉन्फिडेंशियल का भी होता है। तो एक्सेल में हमारे पास वाटरमार्क नहीं होता, तो हम हेडर फुटर में उसको यूज कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल को। तो देखिए यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल आएगा, मतलब इसके चार पार्ट, तीन पार्ट होते हैं उसमें, एक जगह कॉन्फिडेंशियल, इसके बाद यहाँ पर सेंटर में हमारे पास इसकी डेट बता रहा है। तो डेट कौन सी, करंट डेट बता रहा है, जिस टाइम आपने अपने एक्सेल पे वर्क कर रहे होगे तो वो करंट डेट बताता है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेज नंबर बताएगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा और जब मैं हेडर पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये हमारा एक लेफ्ट पार्ट हो गया, ये हमारा राइट पार्ट हो गया और ये हमारा सेंटर पार्ट हो गया। तो हेडर में यहाँ पर तीन पार्ट दिए गए हैं और फुटर में भी देखिए तीन पार्ट मिल जाते हैं आपको, ये लेफ्ट पार्ट हो गया फुटर का और ये राइट पार्ट और ये सेंटर पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए जब वहां पर हमें क्या तीन चीजें दिखा रहा है, मैं सबसे पहले नॉर्मल लेआउट पे आ जाता हूँ, कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ और पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं। इसके बाद मैं हेडर फुटर और यहाँ पर देखिए मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर चलते हैं कॉन्फिडेंशियल डेट और पेज वन। तो देखिए मैंने सेलेक्ट करा, ओके पे क्लिक करा, तो देखिए कॉन्फिडेंशियल आ रहा है लेफ्ट पार्ट में, राइट पार्ट में पेज पेज के नंबर आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे करंट डेट आ रही है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो देखिए पेज टू और कॉन्फिडेंशियल और हमारी करंट डेट, तो ये दोनों तो हमारा सेम ही रहेगा लेकिन यहाँ पर पेज नंबर हमारे चेंज होते रहते हैं। पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं, हेडर फुटर पे चलते हैं और यहाँ पर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रिंट आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप इसको चाना लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट, मतलब एक तरीके से बाय डिफॉल्ट प्रिंट लिख कर आता है। पेज सेटअप पे चलते हैं, हेडर फुटर और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें। देखिए प्रिंट के अलावा देखिए यहाँ पर ये जो है ये आप देख रहे हो सी ड्राइव यूजर डेवलपर डेस्कटॉप प्रिंट, तो देखिए ये क्या चीज़ है, सॉरी ये जो मैंने प्रिंट यहाँ पर बता दिया ये मैंने आपको गलत बता दिया, ये जो प्रिंट है ये मेरी एक्सेल की फाइल का नेम है, मैंने गलती से आपको ये बता दिया कि बाय डिफॉल्ट यहाँ प्रिंट लिख कर आ रहा है। ये जो आप यहाँ पर प्रिंट देख रहे हो ये मेरी एक्सेल की फाइल का नेम है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ और देखिए यहाँ पर आप टॉप में देखो टाइटल बार में, तो ये मेरी एक्सेल की फाइल का नेम है, यहाँ पर प्रिंट है, तो यहाँ पर ये प्रिंट हमारी एक्सेल का फाइल का नेम देता है, जैसे कि यहाँ पर डेस्कटॉप है। मैं इस फाइल को कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ और इस फाइल का नेम ना रीनेम करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया हेडर, माय हेडर फुटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए माय हेडर फुटर कर दिया, मैंने अब इस फाइल को ओपन करा। ठीक है, अब मैंने नाम इसलिए चेंज कर दिया कि जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, वहाँ पर प्रिंट लिख रखा था मैंने क्योंकि प्रिंट से रिलेटेड इसमें डेटा था इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं, हेडर फुटर में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हेडर फुटर लिख कर आ रहा है माई हेडर फुटर, ये हमारी शीट का नेम है कौशल और ये हमारी एक्सेल की पूरी फाइल का नेम है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे जो ये लोकेशन है सी यूजर डेवलपर डेस्कटॉप माई हेडर हेडर फुटर, ठीक है, तो ये आपकी पूरी लोकेशन यहाँ पर दे देगा जहाँ पर भी आपने अपनी एक्सेल की फाइल को सेव करा है। तो देखिए मैंने अपनी जो एक्सेल की फाइल है ये वाली, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव करा, अभी मैंने डेस्कटॉप पे जाके इसका रीनेम करा था नेम, तो ये डेस्कटॉप पे सेव है। यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरी फाइल का पूरी लोकेशन यहाँ पर दे देगा, देखिए सी ड्राइव यूजर डेवलपर, ये डेवलपर क्या है मेरे पीसी का नेम है, तो आपके पीसी का नेम अलग होगा तो यहाँ पर अलग आएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपने डेस्कटॉप पे अपनी फाइल रखी होगी तो पूरी लोकेशन सेम ही मिल जाएगी। पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं, हेडर फुटर में चलते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए जो मैं आपको हेडर में ये ऑप्शन बता रहा हूँ वही आपको फुटर में मिलेंगे, तो अगर मैं आपको एक बार हेडर में इन सभी चीज़ को मतलब बता दूंगा तो आपको फुटर में भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये शीट का नेम बता रहा है कौशल, ये मेरी शीट का नेम हो गया और ये हमारे को पेज नंबर शो करेगा, ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये शीट का नेम हो गया कौशल और ये आपको पेज नंबर शो करेगा, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए शीट नेम मैंने यहाँ पर कौशल दे रखा है। कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, पेज सेटअप पे चलते हैं, हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जस्ट इसके नीचे और कौन सा ऑप्शन है वो देखते हैं, मैं एक बार ऊपर चले जाऊँ, नीचे चलते हैं, अब स्क्रॉल करते हैं तो देखिए कौशल कॉन्फिडेंशियल और पेज नंबर दिखाएगा। इसके बाद देखिए माय हेडर फुटर, ये हमारी एक्सेल की फाइल का नेम और पेज नंबर दिखाएगा। अब देखिए ये मेरी पूरी एक्सेल फाइल की लोकेशन और पेज नंबर दिखाएगा, पेज नंबर, शीट का नेम, पेज नंबर, एक्सेल फाइल का नेम, पेज नंबर, एक्सेल फाइल का नेम, पेज नंबर, एक्सेल फाइल की पूरी लोकेशन जहाँ सेव कर रखी है, डेवलपर, ये जो डेवलपर है ये ऑथर का नेम लेता है अब, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑथर का नेम जो आपके पीसी का नेम होता है ना वही एक्सेल ले लेता है ऑथर का नेम बाय डिफॉल्ट, तो वही शो करेगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेवलपर पेज वन और यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है, तो ऑथर का नेम ले लेता है। मैं अगर आपको इन्फो में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ऑथर लिखकर आ रहा है डेवलपर, तो बाय डिफॉल्ट आपके पीसी का नेम ले लेता है अगर आपने अपने एक्सेल में ऑथर वगैरह को सेट नहीं किया होता है। ठीक है,
यहाँ पर प्रिंट पे चलते हैं, फिर से पेज सेटअप पे चलते हैं और यहाँ पर हेडर फुटर, और इसके बाद देखें यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन यहाँ पर प्रिपेयर्ड बाय आ रहा है, तो प्रिपेयर्ड बाय डेवलपर, मैंने अभी आपको बताया ना बाय डिफॉल्ट ऑथर का नेम ले लिया डेवलपर, तो ये वही बता रहा है प्रिपेयर्ड बाय डेवलपर, और यहाँ पर करंट डेट दे दी और यहाँ पर पेज नंबर दे दिया। देखिए प्रिपेयर्ड बाय डेवलपर और यहाँ पर पेज नंबर दे दिया, तो ये सेंटर हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है, पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं और हेडर फुटर पे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए इसमें जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर देखिए प्रिपेयर्ड बाय डेवलपर और पेज नंबर, ये वही है। ठीक है, तो देखिए जो मैंने आपको हेडर में बताया ये वही सारे ऑप्शन आपको फुटर में भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इनमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करने दा, मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कस्टम हेडर और कस्टम फुटर ये ऑप्शन भी है, तो अब इनको देखते हैं। तो जब आप कस्टम हेडर पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो आ जाती है, जिसमें देखिए आप अपने हेडर फुटर को कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे, अभी देखिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए ये पेज नंबर था, अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा यहाँ पर ओके पे, तो देखिए यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये रिमूव हो गया। पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं, हेडर फुटर कस्टम पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमको दे रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट, अपने जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए लेफ्ट सेक्शन में। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट पेज नंबर, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस जो मैंने आपको बताया था टोटल नंबर जो होते हैं उनको इंसर्ट करने के लिए। इसके बाद डेट टाइम, और यहाँ पर अपनी फाइल की पाथ, फाइल का पाथ वही जो लोकेशन पूरा दिखाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे फाइल का नेम, शीट नेम, और यहाँ पर हम पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं हेडर फुटर में। ठीक है, और यहाँ पर पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए, तो चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कौशल, लिख दिया नहीं कौशल नहीं, शीट का नेम भी कौशल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेवलपर्स गाइड्स। ठीक है, डेवलपर्स गाइड्स लिखा, ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक, और देखिए यहाँ पर डेवलपर गाइड्स आ रहा है। अब इसको थोड़ा कस्टम करते हैं, पेज सेटअप पे चलेंगे, हेडर फुटर कस्टम हेडर, और यहाँ पर देखिए जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो फॉर्मेट टेक्स्ट की विंडो आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए मैं इसका जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ऑरेंज। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो फॉन्ट स्टाइल है बोल्ड कर लेते हैं, और ओके पे क्लिक, और यहाँ पर ओके पे क्लिक, और यहाँ पर भी ओके पे क्लिक। तो देखिए कुछ इस तरीके से कस्टमाइज कर दिया मैंने अपने टेक्स्ट को जो मैंने अपने हेडर में दिया था। फिर सेटअप पे चलते हैं, हेडर फुटर कस्टम हेडर। अब देखिए ये मैंने लेफ्ट सेक्शन में डाला, मैं चाहूँ तो इसको कॉपी करके यहाँ पर देखिए सेंटर और राइट इसमें भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को इसको फिर से यहाँ पर कस्टमाइज करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी नहीं हुई है। ठीक है, और अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं सेंटर वाले सेक्शन में यहाँ पर डालने जा रहा हूँ पेज नंबर। पेज नंबर आ गए, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ देखिए इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस, और ओके पे क्लिक, ओके पे क्लिक, तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर बता रहा है 1, और यहाँ पर पूरे टोटल ऑफ पेजेस नंबर बता रहा है 10। तो यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर 2 बताएगा, यहाँ पर 10 लिख कर आएगा टोटल पेजेस, यहाँ पर 3, यहाँ पर 10 लिख कर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हेडर को कस्टमाइज कर सकते हो, सेम अपने फुटर को भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको जो ऑप्शन यहाँ पर हेडर में बता रहा हूँ वही चीज़ें आप अपने फुटर में भी कर सकते हो। अब देखिए आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि देखिए आप चाहो तो इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, और यहीं पर भी देखिए मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ, यहीं देखिए मैं अपने जो टाइम को भी ऐड कर दूँ, सॉरी डेट, और यहीं मैंने टाइम को भी, तो देखिए मैंने 4 चीज़ें एक ही सेक्शन में ऐड कर दिया। ओके पे क्लिक, ओके पे क्लिक, तो देखिए यहाँ पर हमें पेज नंबर बता रहा है, टोटल पेज नंबर, डेट भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से अपने मतलब बहुत सारे ऑप्शन को एक ही सेक्शन में डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडर में चलते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से पेज नंबर आ जाएंगे, यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे, अब यहाँ से देखिए आपके पास डेट आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा। ओके पे क्लिक, ओके पे क्लिक, तो देखिए डेट आ रही है करंट, और ये करंट टाइम आ गया। पेज सेटअप पे चलते हैं, इसके बाद हेडर फुटर कस्टम हेडर, और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारे पास अगला ऑप्शन है फाइल का पाथ आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर आपने फाइल सेव करी होगी वो पूरा पाथ यहाँ पर पेस्ट कर देगा, और यहाँ पर देखिए शीट की जो नेम होता है, शीट का नेम, सॉरी ये हमारा फाइल का पाथ था, और ये यहाँ पर हमारा जो एक्सेल की फाइल का नेम है वो देगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ओके पे क्लिक, और ओके पे क्लिक,
तो देखिए ये मेरी पूरी लोकेशन बता रहा है जहाँ पर मैंने अपनी एक्सेल की फाइल को सेव कर रखा है। तो डेस्कटॉप पे फाइल ये सेव है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मेरी फाइल सेव है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में दिखा दूँ तो देखिए सी ड्राइव यूज़र डेवलपर डेस्कटॉप और स्लैश देखें यहाँ पर माई हेडर फुटर, ये हमारी एक्सेल की फाइल का नेम है, ठीक है। यहाँ देखिए और ये माई हेडर फुटर, ये हमारी किसका एक्सेल की फाइल का नेम शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं शीट का नेम यहाँ पर शो कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं चलता हूँ कस्टम हेडर में, यहाँ पर देखिए मैं फाइल नेम हटा के यहाँ पर शीट नेम दे देता हूँ, ओके पे क्लिक, ओके पे क्लिक, तो देखिए यहाँ पर शीट नेम आ जाएगा। शीट नेम देखिए यहाँ पर कौशल है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ और नाम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने अरविंद लिख दिया, ठीक है, और कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर अरविंद आ रहा है। पेज सेटअप में जाते हैं, हेडर फुटर कस्टम हेडर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पिक्चर को ऐड करने के लिए, तो हम पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं अरविंद को हटा देता हूँ, मतलब हमारी जो शीट नेम है उसको, और यहाँ पर मैं इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप अपनी पिक्चर को ऑनलाइन भी डाल सकते हो, ऑफलाइन भी डाल सकते हो, ऑफलाइन मतलब आपके पीसी से, और अगर आप ऑनलाइन डालना चाहो तो मतलब डाउनलोड करके। तो अभी मैं वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे कंप्यूटर की डायरेक्टरी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर देखिए अपना जो लोगो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक और ओके, और यहाँ पर देखिए ओके, तो देखिए यहाँ पर ये लोगो दिखा रहा है। अब देखिए कितना बड़ा यहाँ पर लोगो आ रहा है। तो पेज सेटअप पे चलते हैं और यहाँ पर कस्टम हेडर फुटर में, और यहाँ पर तो देखिए अब हम इसको चाहे तो थोड़ा सा एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इसका साइज वगैरह, पिक्चर का जो मतलब लेफ्ट हैंड साइज वगैरह वो आप कर सकते हो, और यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट दे सकते हो। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है कि एक तरीके से आपने यहाँ पर किस तरीके की पिक्चर लगाई है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेवलपर्स गाइड्स, ठीक है। साइज थोड़ा सा साइज इसका डिक्रीज करते हैं क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका साइज है, यहाँ पर मैं हाइट इसकी कर देता हूँ थोड़ी सी 1.2 और इतना, ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ओके ओके, तो देखिए थोड़ा सा साइज इसका छोटा हो गया, और करना चाहो तो और भी कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर कस्टम हेडर और यहाँ पर मैं फॉर्मेट पिक्चर पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने चलो इसका साइज तो छोटा कर दिया, और करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्केल बता रहा है, स्केल पे भी जाके आप कर सकते हो। तो देखिए मैं थोड़ा इसको 50 कर देता हूँ और ओके पे क्लिक, ओके और ओके, तो देखिए थोड़ा सा और छोटा हो गया। तो आप इसका स्केल से भी कर सकते हो थोड़ा सा इसका साइज वगैरह। कस्टम हेडर में चलते हैं और यहाँ पर मैं फिर से पिक्चर फॉर्मेट में चलता हूँ और यहाँ पर देखिए, अच्छा लॉक एक्सपेक्ट रेशियो रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर्स, ठीक है। लॉक एक्सपेक्ट रेशियो क्या करता है, अगर जब आप इसको अनचेक कर दोगे, अब आप जब हाइट को बढ़ाओगे तो आपकी हाइट ही बढ़ेगी, देखिए, ठीक है, और अगर आप विथ बढ़ाओगे तो सिर्फ विथ बढ़ेगी, लेकिन जब आप इसको लॉक कर देते हो इसका एस्पेक्ट रेशियो, तो जब आप इसकी हाइट बढ़ाओगे तो इसकी विथ भी इंक्रीज होती है। तो देखिए मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ, सॉरी विथ बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए हाइट भी इंक्रीज हो रही है, और अगर हाइट बढ़ा रहा हूँ तो विथ भी इंक्रीज हो रही है। तो लॉक एस्पेक्ट रेशियो उसकी हाइट विथ को लॉक कर देता है, दोनों को एक साथ इंक्रीज करता है। तो अभी मैं देखिए यहाँ पर रीसेट पे क्लिक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक करूंगा, तो जो भी मैंने इस पिक्चर में फॉर्मेटिंग करी है वो एक तरीके से रीसेट हो गई और देखिए पिक्चर हमारी पहले जैसी हो गई। पेज सेटअप में चलते हैं, हेडर फुटर कस्टम, और यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर मैं इसका जो लॉक कर देता हूँ, मतलब जो अनलॉक कर देता हूँ, एक तरीके से अनचेक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए जब मैं इसकी हाइट को कम करूँगा तो देखिए हाइट कम हो रही है, और अगर मैं यहाँ पर विथ को कम करूँगा तो आप देखिए सिर्फ विथ ही कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने विथ कर दी इसकी 1.42 और यहाँ पर इसकी हाइट कर दी 1.02, ओके पे क्लिक, ओके ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से अंडेकार इमेज हो गई। पेज सेटअप पे चलते हैं, हेडर फुटर और कस्टम हेडर यहाँ जाते हैं और यहाँ पर अगर मैं इसको रीसेट कर दूंगा तो पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर देता हूँ जिससे कि हमारा हाइट विड्थ दोनों एक ही साथ इंक्रीज डिक्रीज हो, ठीक है। रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज अगर आप इसको रखोगे, जैसे कि अगर मैं इसको अनचेक करूँ रीसेट करूँ तो कुछ नहीं होता, तो जब आप इसको चेक करोगे रीसेट करोगे जो पुराना साइज होता है, ठीक है, पिक्चर का, ये वही रखता है। अब देखिए ओरिजिनल साइज यहाँ पर बता रहा है हमको इस पिक्चर का पहले से। इसके बाद देखिए पिक्चर में जाओगे तो यहाँ पर देखिए आप चाहो तो इसको क्रॉप भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड से थोड़ा क्रॉप करना है, ठीक है। 5 मैंने लेफ्ट साइड से कर दिया और राइट साइड से भी 5 कर देते हैं और टॉप से भी 5 कर देते हैं और बॉटम से भी 5 कर देते हैं, ओके पे क्लिक, ओके ओके, तो देखिए यहाँ से 5 पार्ट
वो जो पॉइंट था वहाँ से उसने क्रॉप कर दिया। कस्टम पे चलते हैं, यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट, फिर से पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप इसका कलर वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो देखिए ऑटोमेटिक क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से कलर है वो आ रहा है, लेकिन जब आप ग्रे स्केल ले लोगे तो यहाँ पर ग्रे कलर देगा। ओके ओके ओके, तो देखिए ग्रे कलर आ रहा है। पे सेटअप पे चलते हैं, हेडर फुटर, कस्टम हेडर फुटर, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद देखिए पिक्चर, और यहाँ पर देखिए अगर मैं ब्लैक एंड वाइट लूँगा तो ब्लैक एंड वाइट कलर दे देगा। ओके ओके ओके, तो देखिए ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। पेज सेटअप पे चलते हैं, हेडर फुटर, कस्टम हेडर, इसके बाद फिर से पिक्चर फॉर्मेट में चले जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, और यहाँ पर देखिए वॉश आउट। वॉश आउट क्या करेगा, देखिए ये हल्का सा जो होता है ना, एक तरीके से इसके जो धुंधलापन कर देता है, जैसे कि एक तरीके से वाटर मार्क की तरह काम करता है, ठीक है। अगर आपने वर्ड सीखा होगा तो वर्ड में जब वाटर मार्क लगाते हैं तो उसमें वॉश आउट करने से वो और भी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, मतलब वो और भी ज़्यादा मतलब दिखता नहीं है फिर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी ब्राइटनेस वगैरह को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो देखिए ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस पिक्चर की थोड़ी सी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ जाएगी। तो मैंने शायद वहाँ पर उसको ग्रे स्केल सिलेक्ट कर रखा है इसलिए इसका कलर चले गया। मैं आ जाता हूँ और पिक्चर, तो देखिए यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक, अच्छा ऑटोमेटिक में यहाँ पर ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये ग्रे स्केल और इसके अलावा कोई और लेंगे ब्लैक एंड वाइट तो इसमें हो रहा है, लेकिन जब हम इसको ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो यहाँ पर इंक्रीज करते ही ये नहीं हो रहा, तो रीसेट कर देते हैं इसको। इसके बाद देखिए ऑल टेक्स्ट मैंने बता ही दिया, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर का नेम दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर इसको ओके 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 कर देता हूँ, और देखिए ये हमारी पिक्चर कुछ इस तरीके से पहले जैसी हो गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसमें सारे ही ऑप्शन क्लियर कर दिए, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब देखिए जो ऑप्शन मैंने आपको हेडर में बताया ये वही ऑप्शन देखिए फुटर में भी है, इसी तरीके से आप यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको फुटर में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। इसके बाद देखिए हेडर फुटर में जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर देखिए डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस का, डिफरेंट फर्स्ट पेज का। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर नंबर ऐड कर रखे हैं हेडर में, ठीक है, पेज नंबर। तो देखिए पेज नंबर 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरीके से चलते जाएंगे। जब मैं यहाँ पर देखिए पेज सेटअप में जाके और हेडर फुटर में यहाँ पर मैं कर दूंगा डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ऑड जो पेज होंगे उसमें जब हम हेडर फुटर देते हैं वो अलग आएगा और इवन पेजेस में अलग आएगा। तो जैसे मैंने इसको चेक करा, ओके पे क्लिक करा, अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 में तो यहाँ पर सीरियल नंबर हमें दिखा रहा है, सॉरी पेज 1 पेज नंबर दिखा रहा है, सेकंड पेज पे देखिए नहीं दिखाएगा, थर्ड पेज पे दिखाएगा, फोर्थ पे नहीं दिखाएगा, फिफ्थ पे दिखाएगा, सिक्स्थ पे नहीं दिखाएगा। तो एक तरीके से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ऑड एंड इवन पेजेस पे हेडर फुटर। तो मतलब आपके ऑड पेज मतलब इवन पेज ऑड वाले पेजेस पे दिखाता है और इवन पेज पे नहीं दिखाता, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर हेडर में दिया होता है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज को अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट पेज पे आपको जो भी हेडर फुटर लगाया होता है वो नहीं शो करता, लेकिन आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ या किसी भी पेज पे जाओगे तो वहाँ पर आपका हेडर फुटर शो होगा, लेकिन फर्स्ट पेज पे शो नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हेडर फुटर में चलते हैं, इसके बाद मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्केल विद डॉक्यूमेंट अलाइन विद पेज मार्जिन आ रहा है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट चेक रहते हैं और ये यूज़ होते हैं ऑटोमेटिक आपके जब डेटा को आप यहाँ पर स्केल करते हो तो उसके लिए होता है। अलाइन विद पेज मार्जिन क्या होता है, जैसे कि आपकी पेज की मार्जिन है तो जितना आपने डेटा बना रहे हो उस हिसाब से आपका जो हेडर है और फुटर वो उसके हिसाब से उसमें एडजस्ट होता है। ऐसे यहाँ पर जो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल विद डॉक्यूमेंट का, ये भी उसी हिसाब से एडजस्ट करता है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन पे जाओगे तो देखिए यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिल जाएगा। तो अगर आपके पास रो ज़्यादा है और कॉलम कम है तो आपको पोर्ट्रेट सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास कॉलम ज़्यादा है रो कम है तो आपको लैंडस्केप सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बता देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी बढ़िया सी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।